आइए सुनिएगा, जैसा कि मैं चाहूंगा आप लोग बैठ जाए, हाँ बैठ करके सुने, हाँ कुर्सियां हैं, बैठ जाइए। एक चेतावनी भजन आज सभी भक्तों के बीच में, सुनेगा एक प्रयास कर रहा हूं, गाया बहुत लोगों ने है, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि ये जन संदेश है सब तक पहुंचे, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो करके बहुत कुछ जाता है, लेकिन जाने अनजाने हम बच्चों से क्या पाप हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा होता नहीं, जो ये चाहता है वो पूरा होता है, क्योंकि जिसने भी अपने माता पिता की सेवा की उसका उद्धार हो गया, और जिनके भी माता पिता खुश हैं उनको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप खुश हैं। कहते हैं नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है ये सारा जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है ये सारा जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है, और नहीं पा सकता वो अपनों से वो इज्जत जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। सुनेगा, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, कर्म के साथी कोई नहीं। अगर माता पिता हमारे खुश हैं तो हमारा जीवन अपने आप सकुशल रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, जीवन खुशमय गुजर जाएगा। तो सुनिएगा, और भजन अच्छा लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिए कि धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई के साथी बात पिता है, धर्म का साथी कोई नहीं, के साथी बात पिता है, धर्म का साथी कोई नहीं, कांधे चढ़ कर आई पत्नी, कांधे चढ़ कर आई पत्नी, कांधे कांधे जाए। अभी हमारे चाचा जी ने एक शेर बोला था, बहुत ही सुंदर सा शेर, कि सासुरे जिस दिन तू नवेली जाएगी, सासुरे जिस दिन तू नवेली जाएगी,
हरी, अरे छोड़ नैहर की हवेली जाएगी, अरे कोई ना संग तेरे सहेली जाएगी, जिस दिन तू यहाँ से अकेली जाएगी। इसलिए कांधे चढ़कर आई मंदिर, कांधे कांधे जाएगी, कांधे चढ़कर आई मंदिर, कांधे कांधे मन सब कुछ देगी, मन मन सब कुछ देगी, कान्हा ना दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? का कारण है, क्योंकि वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। अगर पति पहले चला जाता है तो ये स्वाभाविक है, पत्नी की उम्र और लंबी हो जाती है, और अगर पत्नी पहले चली जाती है तो ये स्वाभाविक है पति की उम्र और कम हो जाती है। ये उसका चक्र है, उसने निर्धारित कर रखा है। इसलिए दम के साथी लाते हैं, दम के हरदम लाते हैं, दम का साथी तोड़े नहीं, दम के साथी लाते हैं, दम का साथी तोड़े नहीं, दम के साथी लाते हैं, दम का साथी तोड़े नहीं, दम के साथी तोड़े नहीं, दम के साथी तोड़े नहीं। दूसरी बात भक्त कह रहा है, इतना नहीं, उसका भी एक कारण है। कारण क्या? अरे बेटी तो रो लेगी, बेटी तो रो लेगी, बेटा साथ न छोड़ेगा, पत्नी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक और ज्यादा से ज्यादा पीपल तक, बस आगे नहीं जाती, बस लटा दिया जाता है, समझाओ जा करके कि जाओ जाओ, हो गया तो हो गया, अब आगे बच्चों को देखो, सबको संभालो, पत्नी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक, बेटी साथ देगी तो सिर्फ कन्या दान तक। यार दोस्त जिनको हम अपना मित्र कहते हैं, यार दोस्त साथ देंगे तो सिर्फ कब्रिस्तान तक, और बेटा साथ देगा तो सिर्फ अग्निस्तान तक। बेटी तो रो लेगी, बेटी तो रो लेगी, बेटा साथ न छोड़ेगा, बेटी तो रो लेगी, बेटा साथ न छोड़ेगा, पत्नी ने या जला जला कर छोड़ेगा, जला जला कर छोड़ेगा, साथ स्वयं बना, सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं, सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, जन्म के साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, जन्म का साथी कोई नहीं। जो भाई होते हैं वो भी बस नारे तक छोड़ते हैं जाकर। एक विशेष बात ये, जो भाई सर के ताज को छीन ले, जो भाई बड़े भाई के सर के ताज को छीन ले वो महाभारत, और जो बड़ा भाई छोटे भाई को अपना ताज पहना दे वही रामचंद्र मानस।
जहाँ भाइयों का प्रेम है वहाँ कभी घर में विध्वंस नहीं हो सकता। लेकिन भक्त क्या कह रहा है सुनिए सुनिए। अरे भाई भाई के खातिर दो, भाई भाई के खातिर दो, भाई भाई के खातिर दो चार घड़ी ही रोएगा, भाई भाई के खातिर दो चार घड़ी ही रोएगा। अंतिम यात्रा में भाई को, अंतिम यात्रा में भाई को, अंतिम यात्रा में भाई चार कदम ही छोड़ेगा, चार कदम ही छोड़ेगा, चार कदम ही छोड़ेगा। खुशी के साथी दुनिया है, खुशी के साथी दुनिया है, खुशी के साथी दुनिया है, और गम का साथी कोई नहीं। खुशी के साथी दुनिया और गम का साथी कोई नहीं। गम का साथी मात चुका है, गम का साथी कोई नहीं। गम का साथी मात चुका है, गम का साथी कोई नहीं। सामने बोर्ड में लिखा है संसार, संसार जहां सबका लेवल समान हो, जहां सबकी शान समान हो, चाहे अमीर की डोली जाए या गरीब की डोली जाए। अगर पहले गरीब की डोली पहुंच गई है, अमीर की डोली को लाइन में लगना पड़ेगा। वहां ये नहीं चलता कि भाई साहब ये वी वी आई पी है, इनको पहले कर दो, ये उसका दरबार है जहां सबका लेवल समान हो जाता है। सुनिएगा, क्योंकि जिंदगी में इंसान करता तो बहुत कुछ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति वहां जाएगा बस यही सोचता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, अगर शायद कर लेता। ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटा हुआ एक अरमान जा रहा है, और जब दुनिया की भीड़ में घूमकर कहीं सुकून ना मिला तो थोड़े से सुकून के लिए शमशान जा रहा है, शमशान जा रहा है। थैंक यू। क्योंकि प्रथम काल की, प्रथम काल की दुल्हन की चली जब, प्रथम काल की दुल्हन की चली जब, जब पहली पालकी दुल्हन की उठती है, ब्याह करके आती है, प्रथम पालकी दुल्हन की चली जब, हंस रहे थे बराती दुल्हन वो रो रही, दोबारा वही पालकी निकली अर्थी के रूप में, रो रहे थे बराती दुल्हन वो सो रही। जिनको हम अपना मानते हैं, कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटा है, पत्नी है, अंतिम समय में क्या होता है? सुनिए, हर पल रहते साथ सदा जो, हर पल रहते साथ सदा जो, वो भी तो दुख मोड़ेंगे। एक दिन रखी गई रखी, दूसरा दिन गुजार दिया, अगर कहीं तीसरा दिन हो गया भाई साहब हटाइए नहीं तो स्मेल मारने लगेगी। जिनसे इतना प्रेम होता है, जो लोग देखते हैं कि भैया मैं इनके बिना रह नहीं सकता, बेटा कहता है पिताजी मैं आपके जाने के बाद मैं रह नहीं पाऊंगा, वही बेटा कहता है जल्दी ले चलो, चलो बॉडी से बदबू आ रही है,
वही घृणा करने लगते हैं। सुनिए होता क्या, सच्चाई है ये, जीवन की सच्चाई है। सुनिए, अरे हर पल रहते साथ सदा जो वो भी तो मुख मोड़ेंगे, हर पल रहते साथ सदा जो वो भी तो मुख मोड़ेंगे, मित्र बनेंगे सत्य तुम्हारे, मित्र बनेंगे सत्य तुम्हारे, जा संसार मत छोड़ेंगे, जा संसार मत छोड़ेंगे, चाचा के साथ ही लाखों है, चाचा के साथ ही सारे हैं, अरे चाचा के साथ ही सारे हैं, चाचा के साथ ही सारे हैं, अरे हम का साथी को मिलेंगे, चाचा के साथ ही सारे हैं, और कम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तालियों का।